अपने हीरो को स्टंट करते तो देखा ही होगा। कई बार इन खतरनाक स्टंट्स के लिए प्रोफेशनल स्टंटमैन रखे जाते हैं, वहीं कभी तो खुद हीरो ही स्टंट करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन स्टंट्स करना इतना आसान नहीं होता, कई बार तो गंभीर चोट आने का खतरा भी रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ था अभिनेता बॉबी देओल के साथ। बता दें, उनकी फिल्म बरसात पर एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसका दर्द बॉबी देओल आज भी भूल नहीं पाए हैं, और वो दर्द आज भी इनके साथ है। उन्होंने बताया कि आज भी उनके पैर में रॉड पड़ी हुई है। इसके साथ ही ये भी बताया कि हादसा आखिर हुआ कैसे था। बता दें कि बॉबी देओल के साथ ये हादसा उनकी डेब्यू फिल्म के दौरान हुआ था। इस फिल्म में एक फाइट सीन के लिए उन्हें एक स्टंट करना था। वहीं पर एक रिपोर्ट से बातचीत करते हुए बॉबी देओल में उन्होंने बताया कि ये एक्सीडेंट तब हुआ जब वो फिल्म की इंट्रोडक्शन के लिए शूट कर रहे थे, जिसमें उन्हें घोड़े पर चढ़ना था। उन्होंने बताया कि वो इस दौरान एक अन्य घोड़े से टकरा गए और भयानक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनका पैर टूट गया, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि मेरी पहली फिल्म बरसात में मेरे भाई मेरा इंट्रोडक्शन सीन और भी दिलचस्प बनाना चाहते थे। हम इंग्लैंड के लेक जिले में थे, मेरा पहला शूट था, मैं घोड़े से टकरा गया और मेरा पैर टूट गया। मेरे पैर में अभी भी रॉड है, वो ठीक नहीं हुआ और फिर मुझे दूसरी सर्जरी करवानी पड़ी, तब जाकर ये ठीक हुआ। लेकिन आज भी मुझे यहाँ पर कभी कभी दर्द होता है, और जब ये दर्द होता है तो ये बिल्कुल भयानक होता है। तब मुझे वो ही सीन याद आता है जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। वहीं बता दें कि बॉबी देओल ने हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म क्लास ऑफ 83 और MX प्लेयर पर आश्रम रिलीज हो चुकी है। इन दोनों के लिए ही बॉबी देओल को जमकर तारीफें मिल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कई सालों बाद बॉबी देओल ने बॉलीवुड में एंट्री ली है। बता दें कि अभी फिलहाल बॉबी देओल बिल्कुल ही गायब थे। आपको बता दें कि बॉबी देओल नशे तक के लती हो गए थे, उन्होंने शराब तक पीना शुरू कर दिया था, जिस बारे में भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। उनके बच्चे और उनकी बीवी उनको इस नजर से देखते थे जैसे कि वो एक नकारा हो। इसके चलते उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने आप को बदलेंगे, ये शराब की आदी लत को हटाएंगे और फिर से काम करना शुरू करेंगे, जिसके चलते उन्होंने नेटफ्लिक्स यानी कि OTT प्लेटफॉर्म में फिल्में स्टार्ट की, और वहीं पर इनकी ये दोनों ही फिल्म काफी हिट गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज, और मैं हूँ आपके साथ साधिका गौर। धन्यवाद।